हाय एवरीवन हम लोग दो टर्म बहुत यूज़ करते हैं रियल एनालिसिस में एक है कॉची सीक्वेंस और दूसरा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे जगह पे यूट्यूब हो गया या गूगल पे हो गया हम लोग चीज़ देखते हैं कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट और एवरी कन्वर्जेंट सिक्वेंस इज कॉचि सिक्क्वेंस क्या ये सही में सच है बिल्कुल नहीं एवरी क्वॉचि सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट इस स्टेटमेंट को हमें जरूर उसमें मैट्रिक्स जो है जिस स्पेस में सीक्वेंस डिफाइंड है उस स्पेस को डिफाइंड होना जरूरी होता है अगर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ ट्रू कि एवरी कॉची सिक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट बट जहाँ पर जहां पे हम रियल नंबर छोड़ के हम आ जाएंगे हमारा सेटअप ऑल रैशनल नंबर पर दैट इज क्यू पे तो क्यू पे ज़रूरी नहीं है कि एवरी क्वचि सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट हो जाए क्योंकि ऐसा सीक्वेंस मैं वहाँ पे क्यू पे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को यूज़ करके सीक्वेंस ऑफ मतलब रेशनल नंबर के पॉइंट्स को यूज़ करके जो इरेशनल पे कन्वर्ज करे तो जो कन्वर्जेंस तो सीक्वेंस है ही तो क्वचिज सीक्वेंस वो बन ही जाएंगे क्वचि सीक्वेंस वो बन जाएगा पर वो कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि उसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है क्यू में तो ऐसा सीक्वेंस जो है क्वचि सीक्वेंस है पर कन्वर्जेंट नहीं है पर एवरी कन्वर्जेंट सिक्वेंस इज ऑब्वियसली अ क्वचि सिक्वेंस तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एवरी कॉची सिक्वेंस इज कन्वर्जेंस दिस इज नॉट नेसेसरि ट्रू बट एवरी कन्वर्जेंट सिक्वेंस इज अ क्वी सिक्वेंस तो ये दो स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिएगा कि कन्वर्जेंट सिक्वेंस है तो क्वी सिक्वेंस जरूर होंगे पर कौचि सिक्वेंस अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होंगे वो डिपेंड करते हैं हम कहाँ पे उसको डिफाइन कर रहे हैं रियल नंबर की रैशनल नंबर की अदर्स कोई फील्ड में ठीक है तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा थैंक यू